राज भाई जी, जैसे आपके पीछे मैं फोटो देख रहा हूँ सुरेश रैना जी का, और बताइए कि क्या किस्सा है, कब जैसे खाना खाने आए थे? तो ये 4 साल पहले आए थे हमारे पास, रणजी मैच होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। सारों में आता है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, हर चीजों में आ जाता है। ठीक। हेलो नमस्कार प्रणाम, मेरा नाम है सुनील ठाकुर और आप देख रहे हैं पालवाड़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों आज मैं जा रहा हूँ बिलासपुर, मेरे सामने आप देख सकते हैं डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर का मेन मार्केट, मेन बाजार जिसको आप बोल सकते हैं, यहाँ है बिलासपुर शहर। दोस्तों इन पहाड़ों के नीचे बसा हुआ है बिलासपुर शहर। मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ बिलासपुर के बेस्ट प्लेसेस जहाँ आप खाने का आनंद ले सकते हैं, एक जेन्युइन प्राइस में आप स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। उन प्लेसेस को मैं इस वीडियो में एक्सप्लोर करूंगा। ये वीडियो शायद 2 या 3 पार्ट में आएगी, तो इस वीडियो को जुड़ देखें, पूरा जुड़ देखें दो, क्योंकि मैं इस वीडियो को आपको बेस्ट डेस्टिनेशन बताऊंगा, बेस्ट प्लेस ही बताऊंगा जहां आप खाने का आनंद ले सकते हैं, वो भी एक जेन्युइन प्राइस में। तो आइए चलते हैं। तो मैं अपनी फर्स्ट डेस्टिनेशन पे, फर्स्ट प्लेस पे पहुंच चुका दोस्तों। आप जब भी बिलासपुर आए दोस्तों, तो आप कहां कहां खाना खा सकते हैं बिल्कुल जेन्युइन प्राइस जहां आपको खाना मिले। ये है मेन मार्केट बिलासपुर, सामने देख सकते हैं यहाँ लोगों की चहल पहल लगी रहती है और काफी बिजी रोड है दोस्तों। आप सामने देख सकते हैं यही है राज ढाबा रेस्टोरेंट, और आपको नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन दोनों टाइप के यहाँ खाने मिलेंगे। वेज थाली 70 रुपीज, और आपको नॉन वेज और वेज खाने के साथ साथ आप जो चाइनीज फूड है दोस्तों वो भी आपको यहाँ खाने का आनंद ले सकते हैं। ढाबे की लोकेशन की बात, ये है मेन मार्केट बिलासपुर में है ये ढाबा दोस्तों, और इस ढाबे के बिल्कुल ऊपर वाली साइड आपको मिलेगा पेट्रोल पंप और मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे। यहाँ से आप जा सकते हैं कॉलेज चौक के लिए, और ये वाला रोड जाता है पूर्णा मॉल के लिए, और बिल्कुल चौक के बीचों बीच ये ढाबा है राज ढाबा रेस्टोरेंट। और इस ढाबे की सबसे खास बात यह दोस्तों, यहाँ इंडियन प्लेयर एक सुरेश रैना जी यहाँ खाना खा चुके हैं। तो ये चलते हैं ढाबे के अंदर, जानते हैं यहाँ क्या क्या यहाँ बनता है और किस तरह के यहाँ रेट है। और सामने आप देख सकते बैठने के लिए बिल्कुल अच्छी व्यवस्था उन्होंने कर रखी है, और सामने सुरेश रैना जी का फोटो उन्होंने लगा रखा है। एंटर करेंगे दोस्तों बाहर से तो आपको बैठने के लिए कुछ ऐसे टेबल मिलेंगे, इन्होंने अंदर भी व्यवस्था कर रखी है, एक अंदर एक सिटिंग रूम बना रखा है, वहां बैठने के लिए पूरा इंतजाम इन्होंने कर रखा है। सामने देख सकते हैं टेबल कुर्सियां पूरी लगा रखी है। ऐसा कुछ है यहाँ इनका मेनू कार्ड, सामने देख सकते हैं चाइनीज परांठा राइस सलाद और वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन हर एक टाइप के खाने इनके पास अवेलेबल है। 10 सुबह 10 बजे से शाम के 10 बजे तक आप यहाँ आ सकते हैं और खाने का आनंद आप ले सकते हैं। आपका पेशा नौकरी पेशा ये ढाबे ही है मतलब? ढाबा जी, ढाबा। अच्छा, कितने साल हो गए इसको ढाबे खोले हो आपको? 52 साल हो गए, 52 साल। 52 साल से आपने ढाबा खोला है? हाँ जी, ढाबा खोला। फूड वेज भी बनता है, नॉन वेज भी बनता है, चाइनीज बनता है, सब कुछ बनता है। अच्छा, आप लंच डिनर और ब्रेकफास्ट तीनों बनाते हैं? तीनों बनाते हैं। ठीक है, तो हमारे को मेनू बता दो, जैसे मोटा मोटा मेनू बता दो, आप ब्रेकफास्ट में आपको क्या क्या देते हैं? परांठा देंगे, तंदूरी परांठा देंगे, परांठा देंगे। अच्छा, और लंच में? लंच में वेज खाओ, नॉन वेज खाओ, जो मर्जी खाओ, मटन चिकन मसाला जो मर्जी। अच्छा, और डिनर में अंकल? शाही पनीर मखनी दाल रात को भी मिलता है, दिन को भी मिलता है। अच्छा, सब कुछ मिलता। आप नॉन वेज और वेज दोनों टाइप के आप फूड बनते हैं यहाँ? खाना 70 रुपए बड़ी खाना देते हैं। अच्छा, उस खाने में क्या क्या मिलता है? सादे खाने राजमा मिलेंगे, कड़ी मिलेगी, वेज हरी सब्जी मिलेगी। अच्छा, मतलब 3 टाइप के सब्जियां मिलेगी, राइस मिलेगा, चपाती मिलेगा। अच्छा, और सब उसका रेट बता दो हमारे को, आप वेजिटेरियन? 70 रुपए थाली में। अच्छा, और फुल और हाफ में दोनों में अवेलेबल है? हाफ लेना 40 रुपए। अच्छा, और फुल का? फुल का 70 70 रुपीज है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ नॉन वेज खाने की, नॉन वेज का तो नॉन वेज में क्या क्या? नॉन वेज 150 लेते हैं हम, आधी प्लेट मीट खाना, चिकन मीट भी, रोटी मिलेगी, चावल मिलेंगे। अच्छा, पेट भर में तो खड़ा खिलाते हैं 150 रुपए। अच्छा, अब फुल लेना तो 230 रुपए, मटन भी तरी मिलेगी, चावल मिलेंगे, रोटी मिलेगी। अच्छा, सब मिलेगा, मटन और चिकन दोनों बनाते हैं? चिकन चिकन का 150 रेट है, एक प्लेट मीट और खाना। अच्छा, वो 150 रुपए लेते हैं। अंकल जी, जैसे ढाबा बंद खुलने और बंद होने का टाइम क्या है? सुबह 10 बजे खोलना है, रात को 10 बजे बंद। अच्छा, रात को 10 बजे तक आप खाना खा सकते हैं, और सुबह 10 बजे शुरू, 10 बजे खाना मिलना स्टार्टिंग रहता है? हाँ जी, पहले रेट का मतलब ज्यादा हो गया कुछ। अच्छा, पहले रेट का कितने से स्टार्ट करा था जब आपने शुरू में स्टार्टिंग में? खाना 2 रुपए खाना खिलाया मटन के साथ। अच्छा,
अच्छा 50 साल पहले 50 साल आपने ₹2 पर प्लेट के हिसाब से आप खाना देते थे, उस टाइम भी नॉन वेज वेज दोनों बनता था। अच्छा आज उस प्लेट का चार्ज 70 या 150 रुपए नॉन वेज का हो गया। अच्छा सुबह 10 से लेकर शाम 10 बजे खाना मिलेगा, बढ़िया खाना मिलेगा। अच्छा कोई कम्प्लेन नहीं होगा। अच्छा और रेट भी रीजनेबल है मतलब। अच्छा हाँ जी ठीक है अंकल जी, आपसे बात करके बहुत बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और अब मैं लेके चलता हूँ दोस्तों जहाँ खाने की प्रिपरेशन होती है दोस्तों, और आपको दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या ये आइटम बनाते हैं दोस्तों। और मटन है, मटन। अच्छा मटन है, राड़ा मटन। राड़ा मटन अंकल जी हम देखते हैं दोस्तों, एक चिकन ऑर्डर पे बनाते हैं। ठीक है। और चिकन ऑर्डर पे चिकन खत्म हो गया बनेगा। अरे चिकन का ही खत्म हो गया बिजला भी। अच्छा ये चिकन ये भी बनेगा और अच्छा बन गया और बनेगा। अभी दोस्तों ये डिनर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो डिनर में भी ये मटन और चिकन आप सर्व करते हैं अंकल है। हाँ जी दोनों चीजें। अच्छा ये वेज में देख सकते हैं दोस्तों, वेज थाली जो बनती है उसमें राजमा आप मिलेंगे। हाँ जी और कड़ी मिलेगी, कड़ी मिलेगी, कड़ी दोस्तों। और हरी सब्जी मिलेगी खत्म है इस टाइम। अच्छा हरी सब्जी आपका खत्म है, खत्म है बन जाएगी। ठीक है। और मटन में जो नॉन वेज है उसमें चिकन भी और मटन भी है। हाँ जी सब कुछ है। ठीक है। और दोस्तों मैं अभी किचन में हूँ जहाँ भाई जी बना रहे हैं मसाला। आप सामने देख सकते हैं इतनी क्वांटिटी मसाला। भाई कि किस चीज का मसाला बना रहे हैं आप? ये हम बना रहे हैं मटन का मसाला जी। मटन का मसाला तो कितनी केजी मटन के लिए हो जाएगा ये? अपने हो जाएगा कम से कम 15-20 का तो हो ही जाएगा। 15-20 ये आप सिर्फ डिनर के लिए बना रहे हैं? हाँ ये डिनर के लिए बना रहे हैं, इसमें साथ ही ग्रेवी निकाल के हम। अच्छा रोस्ट चिकन, बटर चिकन, कढ़ाई चिकन, फ्राई चिकन, ये सारा कुछ बनाते हैं। अच्छा मटन का मसाला जिसको ग्रेवी आप बोल सकते हैं। और सामने आप देख सकते दोस्तों कितनी कितनी क्वांटिटी होगी इसकी? क्वांटिटी है 25 किलो। 25 किलो। हाँ जी। और थोड़ी रेसिपी बताओ कि क्या क्या डाला है आपने इस मसाले में? इसमें मसाले में हमने डाले हैं धनिया डाला है, मिर्ची डाली है, नमक डाला है। अच्छा और हल्दी डाली है, लहसुन डाला है, अदरक डाला है। अच्छा हाँ जी ठीक है। ये आप डिनर के लिए बना रहे हैं भैया ना? हाँ जी डिनर के लिए। ठीक है। आप सामने देख सकते हो दोस्तों और कितना अच्छा लग रहा है देखने में दोस्तों, और उतना ही स्वादिष्ट होगा खाने में। ये है मटन मसाला दोस्तों जिसको ग्रेवी आप बोल सकते हो दोस्तों। ये ग्रेवी लगाने मटन और चिकन में भी ये लगाते हैं कि सिर्फ मटन में ही? चिकन में भी, चिकन में भी मटन में। हाँ जी जैसे अपना कढ़ाई पनीर हो गया, शाही पनीर हो गया। अच्छा सारों में आता है, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, पनीर भुर्जी, हर चीजों में आ जाता है। ठीक है भाई धन्यवाद ना। थैंक यू। मेरे सामने है ढाबे के सेकंड ओनर श्री हितेश राज जी, और आइए इनसे जानते हैं, इनसे बात करते हैं दोस्तों ढाबे के बारे में। भाई नमस्कार। नमस्कार। हमारे प्रॉपर लोकेशन जो हमारे ढाबे की रहती है, पहली बात तो ये 60 साल पुराना ढाबा है हमारा। अच्छा ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हाँ जी। सेकंड बात यहाँ पे ऐसी आती है कि 60 साल मतलब हमारे दादाजी से शुरू हुआ। अच्छा ठीक है। उसके बाद हमारे पापा जी, उसके बाद अब हम इसको रनिंग कर रहे हैं। अच्छा बाकी लोकेशन के हिसाब से देखना तो NH से जो अपना मॉल है पूर्णम मॉल। अच्छा ठीक है। NH से साथ में ही है देखो, मतलब अगर आप मनाली की तरफ जा रहे हैं तो आपने लेफ्ट टर्न लेना है, अगर आप दिल्ली चंडीगढ़ की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। तो आपने राइट टर्न लेना है। अच्छा ठीक है। तो लोकेशन के साथ आप किसी को भी पूछ सकते हैं। ठीक है। कि हमें राज ढाबा जाना है। ठीक है। तो आपको यहाँ से तकरीबन NH की जो दूरी है वो मेरे ख्याल से महज 50 मीटर की दूरी पे है, 100 मीटर की दूरी पे है आपका ढाबा। ठीक है। सर नॉन वेज में हमारी मटन चिकन दोनों की डिमांड रहती है सबसे ज्यादा। अच्छा ठीक है। और अगर हम अपने वेज में लेना हो तो पनीर हमारा जैसे चिली चीज, कढ़ाई पनीर, शाही पनीर, अच्छा इसकी डिमांड चल रही है ज्यादा। अच्छा बाकी चाइनीज फूड में लेना हो तो चाउमीन मोमोज हमारे अच्छे चल रहे हैं। अच्छा बाकी नान वगैरह भी अभी हमने नया स्टार्ट किया है। अच्छा तो ये अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमारे को भी। अच्छा हाँ जी 10:30 से शुरू कर देते हैं हम और 10 बजे तक चला रहता है। तो भाई तकरीबन कितने कस्टमर खा लेते हैं खाना यहाँ? तकरीबन 100 कस्टमर हमारे पास डेली अप डाउन हो जाता है। अच्छा 100 कस्टमर आते हैं, उसमें वेज के भी आते हैं, नॉन वेज के भी आते हैं। अच्छा बाकी चाइनीज फूड के भी आते हैं। अच्छा इसको नहीं एक्चुअली में हमारे पास कुछ कस्टमर हमारे ऐसे आते हैं जो फाइनेंशियली ज्यादा नहीं है, तो इसलिए हमने उनके लिए एक वेज थाली जो अपनी रखी है 70 रुपीज थाली का प्राइस रखा हुआ हमने। अच्छा तो इसलिए अमीर गरीब कोई भी हो उस थाली को आराम से खा सकता है। अच्छा बाकी उसके बाद अगर जो बंदे प्रोवाइड कर सकते हैं एक्स्ट्रा मतलब मैंने फूड के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं उसके लिए फिर वो अपने स्पेशल में जो भी कुछ आप चाहें तो कर देते हैं उसके लिए भी। अच्छी बात बोली भाई जी। भाई जी तो जैसे वैरायटी की बात करूं मैं आपके पास ना, तो आपके पास जो मेन्यू है वो डेली चेंज होता है कि सेम मेन्यू रहता है आपके वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन? नहीं वेजिटेरियन मेन्यू सेम रहता है हमारा सारा। अच्छा और नॉन वेज में? नॉन वेज में भी सेम ही रहता है, जो हमने मेन्यू कार्ड बना दिया है। अच्छा उसी में हम वही चल रहे हैं। अच्छा मटन हमारा जो है हमारे दादाजी ने शुरू किया था। अच्छा राड़ा मटन बोलते हैं उसको हम यहाँ की लैंग्वेज में, पहाड़ी लैंग्वेज में। राड़ा मटन वैसे तंदूर का भी होता है। अच्छा लेकिन हमारे पास पतीले में बनता है। अच्छा ठीक है। राड़ा मटन उसको अच्छे काफी देर टाइम लगता है, 3-4 घंटे लगते हैं उसको बनाने के लिए। अच्छा
ठीक है, तो वो मटन हमारा फेवरेट है यहाँ का। अच्छा। और चीप एंड बेस्ट है आपको मिलेगा। अच्छा। ये चीज उसका रेट जो अगर आप कंपेयर करेंगे कहीं और जाके। अच्छा। तो जो रेट हम दे रहे हैं तो हमसे डबल रेट में ही आपको बाहर मिलेगा। अच्छा, जो नहीं आते हैं जो होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। हाँ जी, हाँ जी, होम डिलीवरी भी अवेलेबल। तो एक बार अपना नंबर बता दो आप। जो मेरा नंबर है 9816316626। अच्छा। ठीक है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं कभी भी, आपको आपका खाना जिस भी लोकेशन में आपको चाहिए होगा। अच्छा। यानी बिलासपुर के। अच्छा। मतलब सराउंडिंग कितनी उस लोकेशन में आपको? 8-10 किलोमीटर के एरिया में। अच्छा। आपका खाना प्रोवाइड करना। राज भाई जी, जैसे आपके पीछे मैं फोटो देख रहा हूँ सुरेश रैना जी का, और बताइए कि क्या किस्सा है, कब जैसे खाना खाने आए थे? तो ये 4 साल पहले आए थे हमारे पास, रणजी मैच होते हैं हमारे यहाँ। अच्छा। तो ठीक है, इनको मटन बताया गया था हमारी दुकान का, जैसे कि फेवरेट है। अच्छा। ठीक है, वो पैदल चल के आए थे खुद यहाँ पर। अच्छा। तो यहाँ पर आए थे तो बहुत उस टाइम क्राउड हो गया था हमारी दुकान पे। अच्छा। तो काफी हमारे पास उनको अच्छा लगा, काफी अच्छे तरीके से वो हमारे को खा के अच्छा रिस्पॉन्स देके गए थे हमारे पास। अच्छा। हमें को भी बहुत खुशी हुई थी कि स्टार हमारे पास खाना खा के। यही कहना चाहूंगा कि अब फर्स्ट मेरे पास आइए, हमारी सर्विस में कोई कमी लगती है आपको तो हमें जरूर बताइए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यही बताना चाहेंगे आपको कि हमारा जो भी टारगेट होता है कस्टमर को सेटिस्फेक्शन होते है, सबसे पहला हमारा टारगेट यही है। हम चाहते हैं हमारा कस्टमर हमारे पास से सेटिस्फाइड होकर जाए। ठीक है, कभी ऐसा ना बोल के जाए कि नहीं आपका खाना पसंद है। हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद राज भाई। और दोस्तों, नॉन वेज और वेजिटेरियन खाने के साथ साथ आप चाइनीज खाने का आनंद ले सकते हैं दोस्तों। थोड़े से बचे हैं अभी। ठीक है, मेरी फ्राइड मोमोज भी हैं, तंदूरी मोमोज भी हैं। अच्छा। सिंपल मोमोज जो होते हैं वो वेज और नॉन वेज दोनों मोमोज में आते हैं? वेज ही, ओनली वेज। अच्छा, ओनली वेज। तो क्या रेट रहेगा चाउमीन और मोमोज का? ये 70 रुपीज प्लेट है। अच्छा, कितने एक प्लेट में कितना मोमोज? 10 पीस होते हैं। 10 पीस। और चाउमीन का कितना चार्ज है? चाउमीन 70 रुपए प्लेट है। फुल और हाफ? हाफ 40 है, फुल 70। ठीक है, ठीक है। और ये हमारे साथ पंकज भाई जी हैं जो हमें बता रहे हैं दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं। वेज और नॉन वेज खाने के साथ आप चाइनीज फूड का भी एंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, आप सामने देख सकते हैं। बिल्कुल, ये जो मोमोज है दोस्तों सिर्फ वेज ही मोमोज बनाते हैं ना? वेज मोमोज, हाँ, नॉन वेज नहीं बनाते हैं। पर फ्राइड आपके पास वैरायटी मिल जाएगी, वेजिटेरियन मोमोज में फ्राइड आपको वैरायटी मिल जाएगी। तो दोस्तों, मैंने आपको ढाबा एक्सप्लोर कराया, मैंने आपको बताया यहाँ का किचन भी आपको बीच कराया दोस्तों, और बैठने के लिए बिल्कुल पूरा इंतजाम है, पूरी व्यवस्था इनके पास। अब बारी है दोस्तों कस्टमर से बात करने की, कस्टमर रिव्यू लेने की। हालांकि शाम के 4 बज चुके हैं दोस्तों, तो इक्का दुक्का ही कस्टमर यहाँ है, तो उनसे मैं रिव्यू ले लेता दोस्तों यहाँ के खाने के बारे में जी। और यहाँ खाने उन्होंने ऑर्डर करा है, वेजिटेरियन खाने उन्होंने ऑर्डर करा है। भाई नमस्कार। नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? विवेक नाम है भाई। ठीक है, विवेक नाम है आपका। हाँ जी। भाई पहली बार यहाँ ढाबे में? नहीं भाई, इस अच्छा आते रहते हैं। तो कौन सी चीज यहाँ ढाबे की सबसे अच्छी लगती है आपको? भाई राजमा चावल। राजमा चावल वैसी खाते हैं तो। अच्छा, राजमा चावल आपको अच्छी लगती है। तो जैसा कि यहाँ का रेट है, जो उन्होंने रेट लगा रखा है 70 रुपीज पर प्लेट के हिसाब से, तो उससे सेटिस्फाई हो भाई? बिल्कुल भाई। अच्छा, और अगर मैं बात करूँ स्टार्स की, 5 में से आप कितना नंबर देना चाहोगे आप? 4.5। जो सफाई के मामले में ढाबा अच्छा है, बिल्कुल। रेट के मामले में? ठीक है। दोस्तों, अगर आप कभी बिलासपुर आए दोस्तों, तो बिलासपुर मेन मार्केट में ये राज ढाबा आपको रेस्टोरेंट मिलेगा दोस्तों, आप जरूर यहाँ खाना खा के जाए दोस्तों। यहाँ नॉन वेजिटेरियन, वेजिटेरियन और साथ में चाइनीज फूड का एंजॉय आप कर सकते दोस्तों, और बिल्कुल जेन्युइन प्राइस में आपको खाना मिलेगा दोस्तों, और उतना ही स्वादिष्ट खाना मिलेगा। और राज भाई के इस रेस्टोरेंट में आके आप सेवा का मौका को जरूर दें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए दोस्तों, तो शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें, और देखते रहें पाड़ीलवाड़। जय हिंद, जय हिमाचल। जय हिंद, जय हिमाचल।